हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2nd of December 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। दिस असेसमेंट शीट इज़ बेस्ड ऑन द पोएम द लास्ट बार्गेन। ये जो असेसमेंट शीट है आपकी, ये आपकी जो पोएम थी द लास्ट बार्गेन, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम सिंबल्स फ्रॉम द पोएम, राइट डाउन व्हाट दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे जो है कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, आपको बताना है ठीक है कि ये जो सिंबल है इनका मीनिंग क्या है। तो स्वोर्ड, स्वोर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्वोर्ड यानी तलवार। तलवार का मतलब क्या सिंबलाइज करता है? वो पावर को सिंबलाइज करता है। ठीक है, बी है बैग ऑफ गोल्ड। अब बैग ऑफ गोल्ड किसको सिंबलाइज करेगा? वो मनी को या वेल्थ को सिंबलाइज करता है। तो मनी हम लिख देंगे, मनी को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंचा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ से जो स्टेंचा है वो रीड करना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो ये स्टेंचा हम पहले भी पोएम कंप्लीट पढ़ी है हमने, इसको हम पढ़ चुके हैं तो एक बार थोड़ा रिकॉल करेंगे। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, कि मैं मॉर्निंग से चिल्ला रहा हूँ कि कोई मुझे हायर कर लो, आओ और मुझे हायर करो। ठीक है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, कि जो स्टोन से बना हुआ जो रोड है मैं जो है उस पर चल रहा था। स्वोर्ड इन द हैंड, इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, हाथ में तलवार लिए जो किंग है अपने रथ पर सवार होकर वो आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूँगा। ठीक है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी पावर जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो जो है अपने जो रथ है उसका उसमें वापस चला गया। ठीक है, तो ये स्टेंचा दिया गया है। अब आपको इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइट वेयर वॉज द पॉइट वॉकिंग, पॉइट जो है वो कहाँ चल रहा था। द पॉइट वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, पॉइंट कहाँ चल रहा था? पॉइंट जो है स्टोन पेव्ड रोड पे चल रहा था। द पॉइंट वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। सेकेंड दिया गया है, हाउ डिड द किंग कम टू हिम, किंग जो है उसके पास कैसे आता है। द किंग हैज़ अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड कम इन हिज चैरियट टू मीट द पॉइंट, जो किंग है वो हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर सवार होकर पॉइंट से मिलने आता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। थर्ड है, हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू हायर हिम, किंग उसको कैसे हायर करना चाहता था। द किंग वॉन्ट टू हायर हिम विद द पावर, वो उसको पावर से हायर करना चाहता था। नेक्स्ट है, नंबर 4 है, वाई डिड ही गो अवे, ठीक है वो क्यों चला जाता है। ही गो अवे बिकॉज ही थिंक दैट किंग्स पावर काउंटेड फॉर नॉट, वो चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जो किंग की पावर है वो नथिंग है, ज़ीरो है फ्रीडम के सामने। क्योंकि जो पॉइंट है वो अपनी फ्रीडम के सामने अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहता, कोई भी काम करे लेकिन वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता, इसीलिए उसको जो किंग की पावर है वो नथिंग लगती है। फिफ्थ है, एक्सप्लेन काउंटेड फॉर नॉट, काउंटेड फॉर नॉट का मीनिंग क्या है। तो काउंटेड फॉर नॉट मीन्स हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर जो फिलअप्स हैं उनको कंप्लीट करके और आंसर को जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों इसके आंसर करेंगे। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। देखिए, कंप्लीट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ए दिया गया है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट, ओल्ड मैन क्या चाहता था। वाज ही सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, क्या वो अपने बार्गेन में सक्सेसफुल हो आया। ठीक है, क्या वो अपने बार्गेन जो कर रहा था पॉइंट के साथ, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाया या नहीं। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू हायर द स्पीकर विद हिज मनी, ठीक है ओल्ड मैन क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू हायर द स्पीकर, वो स्पीकर को अपने मनी से हायर करना चाहता था। नो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
बी टास्क दिया गया है इसी में, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन, स्पीकर की लास्ट बार्गेन क्या थी, द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इसमें फिल कर देंगे, लास्ट बार्गेन इज विद अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के साथ थी, प्लेइंग विद शेल्स जो कि शेल्स के साथ खेल रहा था ऑन द सी बीच, ठीक है, द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे इन रिटर्न, जो चाइल्ड है वो उसको कुछ भी नहीं लौटाएगा बदले में, उसके लेबर के बदले में, स्टिल द मैन स्ट्राइक द डील, अब उसके बावजूद भी जो आदमी है वो उसकी डील मान लेता है, प्लेइंग विद द चाइल्ड उसके साथ खेलता है, मेक्स हिम अ फ्री मैन, ठीक है, और वो चीज़ उसको एक फ्री मैन बनाती है। तो यहाँ से आप इसका आंसर जो है वो कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको टास्क दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, तो जो पोएम है उसमें जो भी ये वर्ड्स दिए गए हैं उन ये आपको जंबल्ड फॉर्म में दिए गए हैं जिनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, बी ए जी ए आर एन आई, ये क्या बनता है, ये बारगेन, बी ए आर जी ए एन आई, ठीक है, तो ये बारगेन बन गया। सेकेंड है एम आई एल ई एस, ये क्या बनता है, स्माइल, एस एम आई एल ई स्माइल। उसके बाद देखिए एच एस डबल एल ई एस, ये क्या बन गया, शेल्स, एस एच ई डबल एल एस, तो ये बन गया शेल्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 बनता है नथिंग, और लास्ट बनता है मनी। तो यहाँ से आप ये जो लेटर्स हैं इनको मीनिंगफुल वर्ड्स बना के लिख दोगे। क्लियर, तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।